अब वो 1,35,000 हो जाएगा। सह आचार्य जो है मतलब एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो 80,000 पहले पाते थे, अब 1,20,000 हो जाएगा। जो सहायक आचार्य हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं वो 60,000 से उनको 90,000 दिया जाएगा, और प्रवक्ता जो लेक्चरर हैं उनको 50,000 से अब 75,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ये संविदा के लोगों के लिए है, जो हमारे रेगुलर हैं उनको 7th पे कमीशन में ले लिया गया है। इन्हीं ग्रेड्स में लगभग उनका 1.5 गुना ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है। तो ये तीसरा आया था। चौथा जो बिंदु है वो हम लोग की उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में हम लोग लेकर आए थे, और उसके तहत अनेक निवेश हुए जिसमें 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आप लोगों ने देखी भी है। साथ साथ जो हम लोग के ये जो नीति हम लोग की 2017 की है उसके अंदर कुछ प्रोत्साहन के लिए हम लोग ने चीजें रखी थी, मगर प्रोत्साहन जिस प्रकार से कुछ सब्सिडीज जो रीइंबर्स की जाती है, स्टैम्प ड्यूटी है, एसजीटी है, स्टेट की जो जीएसटी है, इस प्रकार की चीजें कुछ देते हैं, कुछ इंटरेस्ट जो लोन लिया जाता है उस पर हम लोग का कुछ था, मगर उसके अंदर शर्तें थी कि आप अपना पूरा निवेश जो है अपनी तरफ से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो निवेश करता है वो अपना निवेश कर लेंगे। उन लोगों ने जो निवेश कर लिया तो उसमें से जो उनकी तरफ से 100% हो गया तो उसके हम लोगों के पास कैबिनेट में उन लोग कंपनियों का आया है, उनको लेटर ऑफ कंफर्ट देना है। लेटर ऑफ कंफर्ट के बाद उनको ये जितने भी रीइंबर्समेंट्स हैं जो हमारी स्कीम के तहत आते हैं, जिनको मैंने आपको बताया एसजीटी आ गया, आप इंटरेस्ट फैक्टर्स आ जाता है, स्टैम्प ड्यूटी रीइंबर्समेंट है, ये जितनी चीजें हैं वो लेटर ऑफ कंफर्ट के बाद उनको मिल जाएगा। ये 7 कंपनियां हैं जिन लोगों को आज लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए दिया गया। कुछ और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जब कैबिनेट होगी या उसके बाद होगी तो उन लोगों को ऐसी 10-15 कंपनियां और हैं वो भी आ जाएंगी। तो ये जो 7 हैं वो आपको प्रेस नोट में नाम आ जाएंगे, आप जब भी लिखना चाहते हैं तो वेलकम है। ये मैसेज हल्दीराम गौतम बुद्ध नगर में है, मैसेज जेके सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़, मैसेज सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर, मैसेज SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी, मैसेज KR पल्प एंड पेपर लिमिटेड शाहजहांपुर, मैसेज ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरदोई, मैसेज निकिता पेपर्स लिमिटेड शामली। ये सब मिलाकर जो पूंजी निवेश है वो 2862.70 करोड़ का है, फिर पढ़ बोल देता हूँ, 2862.70 करोड़ का है। इसमें लगभग जो रोजगार सर्जित होंगे वो 7592 एम्प्लॉयमेंट रोजगार सर्जित होंगे, 7592। वो अभी आया नहीं, वो जब आता है वो इस समय इस दफे कैबिनेट में उसको फिगर्स रखे नहीं गए थे। कह नहीं सकते, अलग अलग स्कीम्स होती है ना सर, अलग अलग स्कीम्स होती हैं। फिर जो अगला बिंदु है वो है राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में निष्प्रयोजन घोषित एवं नीलाम किए गए 16 वाहनों के सापेक्ष आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत प्रतिस्थापन स्वरूप 16 नए वाहन का क्रय किया जा रहा है, करने का प्रस्ताव है, अभी किया नहीं गया मगर किया जाएगा।
ऐसे 16 गाड़ियां थीं चार पहियों वाली जो कि कंडेम हो गई थी। वो उसके अंदर 24 अक्टूबर 2018 में 5 वाहन थे, 11 जनवरी 2019 के अंदर जो कंडेम हुई थी वो 11 वाहन थी, ये 16 को मिलाकर अब जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं वो 16 हैं, 15 फॉर्चुनर हैं और एक इनोवा क्रिस्टा है। ये टोटल जो कॉस्ट आनी चाहिए वो लगभग 4.75 करोड़ आएगी, इस पे खर्चा होएगा जीएसटी मिलाकर। और ये 16 जो नीलाम हुई थी उस पे लगभग 77 लाख रुपए सरकार को मिला था। अभी तो कोई उसमें हम लोग चेंज तो किया नहीं, ये मेरी तरफ से इतना। बाकी पंडित श्रीकांत जी बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी नमस्कार। मित्रों अगला जो मद है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जिसकी लगभग 96% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। और ये बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है चित्रकूट बांधा महोबा हमीरपुर जालौन होता हुआ ये औरैया इटावा में आकर मिलेगा। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस वे है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बैंकों से 7000 करोड़ का ऋण परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु यूपीडा द्वारा बैंक कंसोर्शियम के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार से शासकीय गारंटी एवं मार्जिन धनराशि उपलब्ध कराया जाना और यूपीडा के द्वारा ब्याज अब्लिक मूलधन की किस्त ना चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार से उस राशि को चुकाए जाने की सहमति पत्र यानी कि लेटर ऑफ कंफर्ट अपेक्षित है। साथ ही टोल राशि के माध्यम से यूपीडा द्वारा ऋण की अदायगी करने की स्थिति में आने तक राज्य सरकार से लगभग 3 वर्ष के लिए त्रैमासिक आधार पर ब्याज की धनराशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी। इस प्रकरण के व्यय भार में केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु यह ऋण कार्य प्रारंभ होने के 3 वर्ष के अंदर चरणों में बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोर्शियम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसकी समय सारणी ऋण की शर्तों के अधीन शासन के अनुमोदन से निश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इसी मुख्य उद्देश्य के लिए आज कैबिनेट में आया था लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए। अगला जो मद है राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निमित्त मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किए जाने के संबंध में है। तो इसमें पुराने जो भवन है उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और उसके बाद एक वहां पर नवीन पुस्तकालय बनाया जाएगा। अगला जो मद है सूचना सलाहकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नियत मानदेय भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में। इसमें सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट भी है जिसमें श्री शलमणि त्रिपाठी श्री रविंद्र पल्ली इंदिरानगर लखनऊ में हैं और डॉक्टर रही सिंह यानी कि श्री शलमणि त्रिपाठी और डॉक्टर रही सिंह
को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 नवंबर 2019 द्वारा अग्रिम आदेशों के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश का सलाहकार नामित किया गया है। वित्त विभाग के शासन आदेश दिनांक 15/12/14 द्वारा विभिन्न विभागों में नामित किए जाने वाले सलाहकारों को अन्य सुविधाओं के साथ प्रति माह 40,000 नियत वेतनमान एवं 10,000 रुपये आवासीय भत्ता अनुमन्य है, किंतु श्री त्रिपाठी और डॉक्टर रईस सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सलाहकार के पद एवं गुरुत्व दायित्व तथा उपादेयता एवं विशिष्ट अनुभव के दृष्टिगत नियत वेतनमान रुपये 40 के स्थान पर 1,00,000 रुपये तथा आवासीय भत्ता 10,000 के स्थान पर 25,000 प्रतिमा किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला मद है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सुंदरीकरण योजना के अंतर्गत श्री काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी द्वारा कृत्य कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण एवं कृत्य कार्रवाई पर अनुमोदन के संबंध में, जो पिछली कैबिनेट थी उसका ही एक ये हिस्सा है। पूरा विवरण हमने पिछली कैबिनेट में आपको बताया था और ये जो कॉरिडोर है इसका 18 महीने के अंदर ये पूरा होगा और दिसंबर 19 में पूरी ग्रिड की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएंगी और लगभग जनवरी 20 से ये काम शुरू हो जाएगा। अगला जो मद है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण में की गई अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडल आयुक्त तो मेरठ की जांच आख्या दिनांक 29/9/2017 में की गई संस्तुतियों पर कार्रवाई के संबंध में। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिला गाजियाबाद के ग्राम डासना रसूलपुर सिकरोड कुशलिया तथा नहाल में अधिग्रहित भूमि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी तत्कालीन मंडल के आयुक्त मेरठ श्री प्रभात कुमार द्वारा जांच की गई। एनएच एक्ट 1956 की धारा 3A का दिनांक 8/8/2011 एवं 3D का वर्ष 2012 में नोटिफिकेशन तथा अवार्ड वर्ष 2013 में हुआ। अवार्ड के विरुद्ध भू स्वामियों के द्वारा आर्बिट्रेशन बाद दाखिल किए गए। आर्बिट्रेटर के द्वारा 2016 और 17 में आर्बिट्रेशन में आदेश पारित किए गए तथा नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया गया। मंडल आयुक्त के द्वारा जांच में संतुष्टि की गई है कि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3D के पश्चात भूमि क्रय की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी आर्बिट्रेटर गाजियाबाद द्वारा आर्बिट्रेशन वादों में नए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रतिकर की दर को बढ़ा दिया गया, जिसके कारण प्रतिकर का वितरण नहीं हो पाया और वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया। कब्जा ना मिल पाने के कारण परियोजना का काम रुका हुआ है। मंडल के आयुक्त की जांच में 4 गांवों की जो अर्जित भूमि जिसका क्षेत्रफल 71.1495 हेक्टेयर का सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि 111 करोड़ 94 लाख
26,638 का आवंटन घोषित किया गया और निर्णीत आर्बिट्रेशन वादों में निहित धनराशि 319,16,53,331 एवं लंबित आर्बिट्रेशन वादों में पूर्व में निर्णित आर्बिट्रल दरों के अनुसार 167,81,21,552 धनराशि आंकलित होती है, जिसका कुल योग 486,98,34,923 आंकलित होता है। इस संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 6/11/19 से प्राप्त आख्या एवं अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के विधिक परामर्श के दृष्टिगत मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 गांव के आर्बिट्रेशन अवार्ड के सापेक्ष प्रतिकरण का वितरण किया जाना है। इसमें जो एक्ट है एनएच का, उसकी जो धारा 3D है, उसके अंतर्गत जो अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत जो बहनामे किए गए उनको निरस्त किए जाने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें संलिप्त जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध प्रचलित कार्रवाई यथावत जारी रहेगी और विधि विरुद्ध प्रक्रिया में सम्मिलित जांच में दोषी पाए गए किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो अब अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित कर दी जाएगी। यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में धारा 3D के प्रकाशन के उपरांत धारा 3D में अधिसूचित भूमि की खरीद फरोख्त व रजिस्ट्री आदि ना हो तथा इस संबंध में योजित होने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिवाद करने हेतु कैविएट योजित की जाए। आयुक्त तो मेरठ की आख्या दिनांक 29/9/17 में की गई संस्तुति के अनुसार प्रकरण की जांच CBI या किसी विशिष्ट एजेंसी से कराए जाने के संबंध में विचार किया जाए। मंडल आयुक्त मेरठ की जांच में तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री विमल कुमार शर्मा एवं श्रीमती निधि केसरवानी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है, अतः उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी गाजियाबाद तत्कालीन श्री विमल कुमार शर्मा एवं श्रीमती निधि केसरवानी और इसमें जो भी और भी संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संस्तुति की है। जो मंडल आयुक्त ने जो अपनी आख्या भेजी है उसमें पूरे प्रकरण की जांच करते हुए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है उसका मैंने विस्तार से आपके सामने विवरण जो दिया है वो मैंने रखा है। अब DM थे, उसमें और भी जो पदाधिकारी होंगे जिले के जो जो इसमें संलिप्त होंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई के लिए कहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। आगरा मीडिया दिखता है।